हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। देखो सबसे पहला अपडेट के बारे में बात करें कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कि बताया गया था अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया 7/24/28 वाला, यानी कोई किसी भी कॉलेज अगर नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उस सभी स्टूडेंट को विषय और महाविद्यालय चेंज परिवर्तन करने का डेट 8 अगस्त तक रखा था। लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी को डेट एक्सटेंड करके 10 अगस्त तक रखा गया है। जो स्टूडेंट अभी तक अपना कॉलेज परिवर्तन और अपना विषय परिवर्तन नहीं किए हो, 10 अगस्त तक अपना कॉलेज और विषय परिवर्तन कर लीजिएगा। कैसे करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो चैनल पर जाके देख सकते हो। और एक बार अगर थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, बीए का थर्ड मेरिट लिस्ट और बीएससी बीकॉम का फोर्थ मेरिट लिस्ट। अब बात कर लेते हैं बीए का थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखो 10 तारीख लास्ट डेट रखा गया है, मतलब आप लोग का विषय और कॉलेज परिवर्तन करने के लिए। जैसे डेट एक्सटेंड होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग का तीसरा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और आपका फॉरवर्ड मेरिट लिस्ट भी ऐसे ही 2 से 3 दिन के अंदर में, जैसे ही आप लोग का विषय और कॉलेज चेंज करने का परिवर्तन करने का डेट खत्म होता है तो वैसे ही आप लोग का बीएससी बीकॉम का भी फॉरवर्ड मेरिट लिस्ट 2 से 3 दिन के अंदर में जारी कर जाएगा। जैसे जारी करने का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप या तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दूँगा। इसलिए चैनल पर ज्वाइन, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप या तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और आपका दूसरा अपडेट के बारे में बात करें, बहुत सारा स्टूडेंट बीसीए सीएनडी में एडमिशन लेना चाहते हो, बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस सभी स्टूडेंट को बता दें कि आखिरी डेट 8 अगस्त रखा था, लेकिन वह डेट एक्सटेंड करके 14 अगस्त तक कर दिया गया। जो स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हो बीबीए और बीसीए सीएनडी में, वह स्टूडेंट अप्लाई 14 अगस्त तक कर सकते। हाँ तो देखो तीसरा अपडेट के बारे में बात करें, बहुत सारा स्टूडेंट का क्या हो रहा है, यानी बहुत सारा स्टूडेंट मतलब बीए बीकॉम बीएससी का जिसका कि एडमिशन हो चुका है 24/28 वाले के लिए, उस सभी स्टूडेंट का क्लास स्टार्ट हो चुका है, यानी 8 जुलाई से उसका क्लास स्टार्ट हो चुका है। वो लोग अपना क्लास जरूर करेंगे, आप लोग अपना रूटीन के अनुसार क्लास करोगे तो आप लोग रूटीन कहाँ मिलेगा, जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन लिखा हुआ चले गया, नाम लिखा चले गया है, उस कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ आपको रूटीन मिल जाएगा। तो अगर वैसे भी मेरे पास अगर रूटीन आता है, मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप या तो टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को सूचित कर ही दूंगा, तो आप लोग क्लास करने जरूर जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास करना अनिवार्य होता है। तो आप लोग जिसका जिसका नामांकन हो चुका है, जिसका कॉलेज का रूटीन प्राप्त हो चुका है, तो रूटीन के अनुसार क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि 8 जुलाई से आप लोग का सेमेस्टर 1 का क्लास स्टार्ट हो गया है, आप लोग अपना क्लास अपना रूटीन के हिसाब से करोगे, यानी जिसका कि अपना कॉलेज से पता कर लोगे कि आपका रूटीन क्या है, आपका किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, कितना बजे से आपका सब्जेक्ट, उसी के अनुसार आप लोग अपना क्लास करोगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, अगर कोई डाउट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप या तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए ज्वाइन हो जाएगा, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूर्णिया यूनिवर्सिटी की ओर से आते रहता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।